बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन इस वक्त अपने एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। दरअसल एक्ट्रेस पर एक बुजुर्ग महिला और उनके परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज करने का कथित आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि एक्ट्रेस रवीना टंडन ने बीती रात शराब के नशे में उनके साथ मारपीट की है। इसके बाद अभिनेत्री को स्थानीय लोगों द्वारा घेर कर उन पर हमला करने का एक वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरी घटना बीते शनिवार रात की है। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक रवीना के ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और रिजवी कॉलेज के पास क्वार्टर रोड पर तीन व्यक्तियों को टक्कर मारने का कथित आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन जब इंडिया टीवी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये घटना उस वक्त की है जब रवीना टंडन के घर के पास उनका ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स ले रहा था, तो इसी दौरान उसकी कुछ लोगों से बहस हुई। इसके बाद वहां गर्मा गर्मी ज्यादा बढ़ गई। वहीं बाहर हो रहे शोरगुल की आवाज सुनकर रवीना टंडन बाहर आईं और उन्होंने लोगों को समझाने और उनसे बात करने की कोशिश की, तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर कुछ महिलाओं द्वारा कथित तौर पर उन्हें अशॉल्ट किए जाने का आरोप लगा दिया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने एक्ट्रेस से धक्का मुक्की भी की। वीडियो में रवीना को कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे मत धक्का दो, कृपया मुझे मत मारो। वहीं इस घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग मुंबई के पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने पुलिस को लिखित में बयान दिया है कि उन्हें कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करनी है। वहीं अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि महिलाओं के लगाए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और इसमें रवीना की कोई भी गलती नहीं है। इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।